ईडी का हाल कुछ ऐसा हो गया है जैसे गांधी जी के तीन बंदर। आप सबको एक कहावत याद होगी, गांधी जी के तीन बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो। लेकिन बीजेपी का अब ये हाल, बीजेपी ने ईडी का ये हाल कर दिया है कि ईडी को एक तीन बंदर की जैसे उन्होंने बना दिया है। ईडी का अब जितने भी तथ्य, जितने भी सबूत बीजेपी के खिलाफ अगर ईडी को देते हो तो ईडी यही कहता है कि नहीं जी, हम बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं सुनेंगे, बीजेपी के बारे में तो बुरा नहीं देखेंगे और बीजेपी के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये हाल आज बीजेपी ने ईडी का बना दिया है। और चौंकाने वाली बात, जब ये सारे तथ्य अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जज साहब के सामने रखे कि शरद रेड्डी का मनी ट्रेल 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में है, तो हैरानी वाली बात यह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब जो ईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक सेकंड में विदाउट अ ब्लिंक उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, द मनी दैट दे से केम टू द बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद द लिकर स्कैम, देर इज नो क्विड प्रो को। ये बहुत बड़ी बात है। ईडी का वकील राजू साहब, इतने बड़े एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जब डिफेंस में अरविंद केजरीवाल जी साफ तथ्य कोर्ट के सामने रखते हैं तो वो सोचते भी नहीं है, पलट जवाब देते हैं, कहते हैं कि बीजेपी को 55 करोड़ रुपए अगर शराब घोटाले के मिले तो इसमें क्या गलत है, इसमें कहां से क्विड प्रो को साबित हो गया। यानी ईडी ने एक सेकंड के अंदर जांच भी कर ली बीजेपी और शरद चंद्र रेड्डी की और फैसला भी सुना दिया। यह हाल है ईडी का। वहां पे गोवा के चुनाव में जो भी तमाम हमारे वेंडर्स थे, लीडर्स थे, उनसे हिसाब किताब पूछ रही है कि भैया आपने 100 कुर्सियां लगाई तो 100 कुर्सी का खर्चा कैसे उठाया आपने, आपने 2 पोस्टर लगा दिए तो 2 पोस्टर का खर्चा आपने कहां से निकाला, ऐसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं 2 साल पहले पुराने के चुनाव के। आज तो आपके जो एक मुख्य आरोपी हैं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, वो तो आज का चुनाव खेल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में खर्चा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उनकी सोशल मीडिया पे हर जगह जा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताओ, मुझे वोट दो। तो इनका खर्चा, इनके कुर्सी टेबल पोस्टर, कौन इसका खर्चा उठा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, क्या लेन देन हुई है बीजेपी और टीडीपी के बीच में, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि भाजपा ने, भाजपा के कहने पर जिस मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने बयान दिया केजरीवाल जी के खिलाफ और केजरीवाल जी को उस बयान के आधार पर जेल में गिरफ्तार करके बंद किया गया, उसको भाजपा ने इनाम दे दिया, एक टिकट दे दिया। तो ये लेन देन तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए।